खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही यम्मी डिलीशियस चिकन पास्ता और रेसिपी इतनी आसान, जिसे आप देखेंगे तो तुरंत बनाना शुरू कर देंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को। वेलकम टू माय चैनल सकीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत डिलीशियस टेस्टी रेसिपी, चिकन पास्ता बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान, तो ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। चिकन पास्ता बनाने के लिए 2 कटोरी पास्ता लिया है, 200 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है, इंडक्शन ऑन कर लिया है, पॉट में रखा पानी गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो चुका है, 1 चम्मच रिफाइंड तेल ऐड करते हैं, पास्ता ऐड करते हैं मीडियम आंच पर, 10 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। इंडक्शन ऑन कर लिया है, पैन रखा गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो गया है, 4 चम्मच रिफाइंड तेल ऐड करते हैं। तेल गर्म हो गया है, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करते हैं, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करते हैं, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करते हैं, 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करते हैं। हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं 1 मिनट तक। चिकन ऐड करते हैं, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, बराबर चलाते हैं, पका लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। पास्ता अच्छे से उबल गया है, इसे छान लेते हैं। पास्ता को बॉईल करके छान लिया है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करते हैं, 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं चिकन में, 10 मिनट तक ढककर चिकन और सब्जियों को गला लेते हैं। आंच को मीडियम रखेंगे, खोलकर चेक करते हैं, सब्जियां चिकन अच्छे से गल गए हैं। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करते हैं, 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करते हैं, इससे पास्ता में स्वाद अच्छा आता है। 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पास्ता ऐड करते हैं, पास्ता को मिक्स कर लेते हैं। पास्ता को 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम आंच पर। पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चिकन पास्ता बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं, डिश आउट कर देते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी चिकन पास्ता बनकर तैयार है सब करने के लिए। चिकन पास्ता बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है, ये बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। चिकन पास्ता एक बार मेरे तरीके से बनाकर खा लेंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सकीना खान को इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।